एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो के बारे में आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। तो ये वीडियो होने वाला है एक मैजिकल हेयर ऑयल जो टारगेट करेगा आपके हर तरीके के हेयर प्रॉब्लम को। लाइक अगर आपके स्प्लिटेंस के प्रॉब्लम है तो इसको भी ये टारगेट करता है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपके ड्राई स्कैल्प एंड बहुत ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, एंड हेयर अगर आपके रीग्रो नहीं हो रहे हैं, थिन हेयर है, तो ये ऑयल आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को एक ही साथ टारगेट करेगा। एंड इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू दैट ट्राई दिस मेथड एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस गोना गिव यू ए अमेजिंग रिजल्ट। लेकिन बात ये है कि आपको लॉजिकली पूरी वीडियो को समझना पड़ेगा एंड वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि रेमेडी बस बता दो, ये डालना है, रेमेडी इज ओवर। नो, माई ड्यूटी इज टू टीच यू ऑल पीपल एग्जैक्टली कि क्या काम करता है, ऐसा क्या चीज हम लेते हैं। रैंडमली किसी चीज को फॉलो करना मैं ऐसा करती नहीं हूँ, ना ऐसा करने की सलाह मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आप कुछ ट्रस्ट करके मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मैं भी अपना टाइम देती हूँ, आप भी अपना टाइम देते हैं। तो ये मेरा ड्यूटी है कि आप लोगों को मैं समझाऊं एग्जैक्टली ये चीजें जो हम मिक्स करते हैं तो इसके कॉम्पोजिशन में क्या फॉर्म होता है एंड इसका रिजल्ट जो आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है। एंड कोई भी रेमेडी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जो मैं रिव्यू करती हूँ वो मैं सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये एक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर उसमें 100% सर्टिफाई होती हूँ देन ओनली मैं जाके उसे डिलीवर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हेयर ऑयल जो इस कंटेनर में आपको स्टोर होके दिख रहा है ना, ये एक मैजिक के अलावा और कुछ नहीं है। एंड इसको प्रिपेयर करने का मेथड भी बिल्कुल ही यूनिक है। इसको मैंने डबल बॉयलर मेथड से प्रिपेयर किया हुआ है। व्हाट इज डबल बॉयलर मेथड? जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे DIY रेमेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन दे आर डायरेक्टली हिटिंग द ऑयल इन द पैन और कढ़ाई, वट एवर यू कैन से। कि उन लोगों ने क्या करना है कि ऑयल को गर्म करते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई डोंट बिलीव ऑन कि आप जब ऑयल को हीट करते हैं तो वो आपके लिए कुछ गुडनेस छोड़ता भी है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई डोंट नो कि वो कैसा रिजल्ट करता है क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मुझे जितना सूझबूझ है, मेरे हिसाब से जब हम ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स वैनिश हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऑयल को अगर कभी भी हीट करना है, बाय द वे कभी भी आप हेयर ऑयलिंग करें तो उसको अच्छी तरीके से डबल बॉयलिंग मेथड से बॉयल करके, थोड़ा सा जैसे हॉट ऑयल मसाज होता है ना, वो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। नॉर्मल ऑयल मसाज और हॉट ऑयल मसाज में बहुत डिफरेंस है। हॉट ऑयल मसाज में हमारे स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं एंड हेयर रीग्रो होने में मदद करता है। अगर आपको ऑयल में कोई गुडनेस ऐड करना हो तो उसे भी डबल बॉइलिंग मेथड में ही हमेशा ऐड करें। तो लेट्स कम टू द पार्ट, हाउ टू मेक दिस DIY ऑयल। सो गाइज, इसके लिए हमें चाहिए चावल, और ये कोई भी चावल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बासमती राइस लेंगे, व्हाइट, ब्लैक, एनी राइस यू वांट यू कैन टेक, क्योंकि राइस में वो गुडनेस होता ही है। एंड अभी बहुत सारे ब्रांड है जो मार्केट में राइस हेयर ऑयल लॉन्च कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, देखा भी होगा। एंड इस राइस हेयर ऑयल को आप घर पे बना सकते हैं, यस विद मी। तो आप लोगों को राइस लेना है, एंड साथ ही साथ इसके लिए हमें चाहिए फेनिग्रिक सीड यानी कि मेथी, एंड कलौंजी कॉल्ड एज ब्लैक सीड्स। तो ये तीन चीज हमें चाहिए इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए। एंड डबल बॉइलिंग मेथड के लिए मैं यहाँ पे अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन ले रखी हूँ। आप चाहे तो सिल्वर, स्टील, मेटल, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। डबल बॉइलिंग मेथड से हमारे हेयर ऑयल की सारी न्यूट्रिएंट एंड सारी खूबियां ऑयल में ही रहता है, गायब नहीं होता है। ओके, लेट्स कम टू द प्रिपरेशन पार्ट। आपको इन तीन चीज को मिक्स करना है एंड इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर देना है, एंड ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो ऑयल के साथ अच्छी तरीके से इसके कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं, तो इसके गुडनेस ऑयल अब्सॉर्ब कर लेता है एंड हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो आपने इसको एक पाउडर बना लिया, डन। अब नेक्स्ट क्या करोगे, आपको इस तरीके से कोई भी पॉट को गर्म करना है, उसके ऊपर एक स्टीमर ले सकते हैं आप।
एंड ध्यान ये रखना है कि जैसे कोई भी आप ऑयल स्टीम करोगे उसको ज्यादा टाइम ढकके नहीं रखना, नहीं तो उसके ऊपर क्या होगा, वेपोरेशन होके पानी गिर सकता है तेल में, जो कि हार्मफुल है। तो आप पानी नहीं गिराना है, आप अपनी सूझबूझ के साथ हेयर ऑयल को डबल बॉइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें हेयर ऑयल को बॉयल करना है। यहाँ बॉयल करने के लिए मैंने गैस लगा दिया है एंड इसके ऊपर मैंने मिट्टी के बर्तन रख दिए एंड उसमें कुछ पानी लिया है मैंने एंड यहाँ पे मैंने लिया है एक इसको लीड कवर करने के लिए, ये आंच है जिसे नीचे रखते हैं एंड गर्म करते हैं, तो इसको आप इसे ऊपर एज ए लीड यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक स्टील की कटोरी ले सकते हैं, आप ग्लास के भी ले सकते हैं, आज यो विस जो भी अवेलेबल है। अब हम यूज करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे हेयर के लिए काफी जरूरी है एंड जब भी हेयर ऑयलिंग की बात आती है तो कोकोनट ऑयल सबसे पहले रहता है। एंशिएंट टाइम से कोकोनट ऑयल को हेयर ऑयलिंग में यूज किया जा रहा है एंड यहाँ पे मैंने यूज किया है कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आपको ये बाय करना है तो प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज एनी वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड आपको इस तरीके से 2-3 चम्मच जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ऑयल लेना है। मैं प्रेफर करती हूँ हर बारी फ्रेश ऑयल बनाना, मैं एक साथ बना के स्टोर नहीं करती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है सैटरडे को, मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऑयल ले लेती हूँ एंड इसे ये जो पाउडर मैंने बना के रखा है इसको आप स्टोर कर सकते हैं काफी टाइम तक। कभी भी आपको ऑयलिंग करना है 2 चम्मच पाउडर ऐड करो, ऑयल गरम करो एंड अप्लाई करो, फिर स्टोर करने की कोई झंझट ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें तेल को पहले गरम करना है कुछ टाइम तक, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे अपना पाउडर जो हमने चावल कलौंजियों मेथी से बनाया हुआ है, राइट। तो इसे एक अच्छा बॉयल देंगे हम। ये जैसे नीचे वेपर होता जाएगा तो हेयर ऑयल क्या होगा, इसके अंदर बॉयल होता रहेगा। बहुत ही सिंपल है ये, तो आप लोगों को पता ही है जब स्टीम होता है तो ये बॉयल होता है, राइट। तो जब ये हेयर ऑयल थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा, आपको इसे बॉयल करना है 7-10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आप इस तरीके से इसे निकाल लीजिए एंड इसको मैं अभी स्ट्रेन करूंगी विद अ स्ट्रेनर, जिसमें हम चाय वगैरह छानते हैं। तो इसको इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे इस तरीके से आप प्रेस कर देंगे। वैसे ये ऑयल सारा जितना भी हमें चाहिए था वो कंटेनर में इकट्ठा हो गया है, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो बच गया इसे हम थ्रो करेंगे, क्योंकि इसका हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। जिसके भी जितना भी इसके गुडनेस था सब ऑयल में अब्सॉर्ब हो चुका है। तो इस तरीके से ऑयल को आपने कंटेनर में रख दिया है, अगर ज्यादा बना लिया है तो इस तरीके से एक कांच के कंटेनर में इसे स्टोर कर लीजिए। अब 2-3 हफ्ता लगा सकते हैं, अगर एक बार में लगाना है तो एक बार के लिए भी बना सकते हैं। सो गाइस, ये बन गया हमारा हेयर ऑयल। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि इस हेयर ऑयल को आप कब अप्लाई करें, राइट। तो इस तरीके से आप अपने हेयर ऑयल को हाथ में लीजिए एंड ये जैसे कि थोड़ा गर्म है तो इसे और गर्म करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे अच्छे तरीके से अपने रूट्स पे एंड अपने स्काल्प पे मसाज करें। जैसे मैंने बोला कि आप अगर हॉट ऑयल को अपने स्काल्प पे मसाज करते हैं तो ये हमारे हेयर रीग्रो करता है एंड हमारे स्काल्प से डैंड्रफ दूर करता है। एंड इसको अच्छे तरीके से पूरे स्काल्प पे मसाज कीजिए 10 मिनट तक एंड इसको अपने बालों के हेयर फॉलिकल्स पे भी लगाना मत भूलना। टिप से, अपने फिंगर टिप से हमेशा मसाज किया जाता है एंड इसको अपने पूरे हेयर पे अप्लाई करने के बाद 2 घंटे तक आपको एज इट इज छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। अगर आपको ओवरनाइट इस हेयर ऑयल को अपने बाल पे अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, आप सैटरडे नाइट को लगा सकते हैं एंड संडे मॉर्निंग को अपने हेयर को एक अच्छे से शैम्पू में वॉश कर सकते हैं एंड आपको एक विजिबल चेंज जरूर मिलेगा। एंड इस हेयर ऑयल को अगर आप हफ्ते में 3 बार या 2 बार अगर यूज करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बेबी हेयर आते हुए दिखेगा। साथ ही साथ में अगर आपके स्प्लिटेंस के प्रॉब्लम है तो आपके स्प्लिटेंस के प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगा। कोई भी DIY होम रेमेडी मैजिक की तरह काम नहीं करता है, हर किसी चीज के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होता है। चाहे आप कोई ब्रांड के ले लो या अपने आप से बना लो, पेशेंस रखोगे तो चीजें जरूर काम करेगा। एंड इस हेयर ऑयल को आप अप्लाई करके आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बेबी हेयर्स एंड यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर्स अभी आ रहे हैं। काफी ज्यादा हेयरफॉल अगर हो रहा है तो आप इसे
डेली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बालों को रोज धोना की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो आप हेयर में ऑयल लगा के रख सकते हैं एंड ये कोई भी हार्मफुल नहीं है। लेट्स कम टू द पार्ट हाउ इट वर्क्स, ऐसा इसमें क्या है जो ये काम करता है। ओके, लेट्स कम टू द राइस ब्रैन ऑयल। जो राइस ऑयल है वो हमारे हेयर को मैनेजेबल बनाता है, स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। राइस में जो गुडनेस है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, जिसके साथ साथ हमारे जो हेयर है वो हमारा नेचुरल साइन नहीं खोता है। एंड कोकोनट ऑयल के गुडनेस के बारे में अगर हम बात करें तो कोकोनट ऑयल में अनगिनत न्यूट्रिएंट है जो हमारे हेयर में एक प्रॉपर टेक्सचर देता है एंड हेयर के डिस्कलरेशन से रोकता है एंड हेयर में आपको जो स्मूथ एंड सिल्की लुक आता है ना वो कोकोनट ऑयल की नरिशमेंट से ही पॉसिबल होता है। लेट्स कम टू मेथी दाना। मेथी दाना क्या करता है, मेथी दाना में बहुत सारे प्रोटीन है जो हमारे हेयर के लिए जरूरी है। अगर आप मेथी दाना की वाटर से भी अपनी हेयर को वॉश करते हो तो भी एक अच्छी बात है, या फिर आप मेथी दाना की इस हेयर ऑयल को अगर आप यूज करते हैं तो आपके बालों में जो ब्रेकेज होता है एंड जो आपके स्प्लिटेंस के इशू है एंड साथ ही साथ जो आपके बाल साइन खो चुका है, मैनेज नहीं होता आपके बाल, नट्स आ जाते हैं बालों में, ये सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। जो हमारे हेयर होते हैं ना, देखिए हमेशा अगर इसे डाउन साइड रहता है, जितना नीचे भी पकड़ू तो यहाँ पे स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे में हेयर को पकड़ते हैं और हेयर ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाता है, ऊपर की तरफ रहता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं विजिबल चेंज, यहाँ पे इस पार्ट पे स्प्लिट एंड्स है इसीलिए ये इस तरीके से ऊपर की तरफ है एंड इस पार्ट में स्प्लिट एंड्स नहीं है तो ये हेयर कैसे डाउनफॉल है, यहाँ के हेयर अनहेल्दी है। तो इस तरीके से आप अपने हेयर की हेल्थ को भी चेक कीजिए जो कि बहुत जरूरी है। तो ये तो था प्रोडक्ट के गुडनेस एंड इसे क्या चीज मैंने इस हेयर ऑयल में मिक्स किया जो इस ऑयल को बनाता है आप लोगों के लिए यूजफुल। सो गाइज दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नियर एंड डियर वन के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे जाके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी। इंस्टाग्राम का आईडी है प्रियंका दास। आप वहां पे जाके जनरेट कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम एक फैमिली बना सकते हैं एंड आपके कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विथ मी। आई विल बी आंसरेबल टू यू पीपल, बिकॉज आप लोगों के साथ साथ एक फैमिली बनाना एंड आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे काफी अच्छा लगता है। सो गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गो एंड ट्राई देन कमेंट मी बिलो। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।